हेलो फ्रेंड्स, मैं मितुल पटेल आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अर्निंग पर। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन अपने गैजेट पे मिलता रहे। इस चैनल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि डिजिटल वर्ल्ड में कैसे अर्निंग करनी है। फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिजिटल अर्निंग के रिगार्डिंग कोई भी नई अपडेट, स्कीम या इन्फॉर्मेशन हो उसकी जानकारी मिलती रहेगी। मित्रों, आज हम बात करेंगे अमेजिंग चॉइस के अट्रैक्टिव अर्निंग प्लान के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है वो स्टेप्स है, 40 स्टेप्स है, यानी कि 20 महीने का ये प्लान है। एड वैल्यू मीन्स कंपनी का टर्नओवर, स्मार्ट वर्किंग, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग। यहाँ पे जो स्मार्ट वर्किंग के आगे टारगेट दिया हुआ है, अगर आप स्मार्ट वर्किंग लेना चाहते हो 20 महीनों तक तो आपको ये टारगेट अचीव करना पड़ेगा। अगर आपको वर्किंग बोनस चाहिए तो इस टारगेट को कंप्लीट करना होगा। अगर आपको नॉन वर्किंग बोनस चाहिए तो ये टारगेट को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे आप मिनिमम एड 3150 की रख सकते हो। ये जो टर्नओवर है आपके रजिस्ट्रेशन के बाद जितना भी कंपनी में बिजनेस आता है ये वही कॉलम। अगर आपके ज्वाइंट होने के बाद कंपनी में 50,000 का टर्नओवर हो गया तो आप स्मार्ट वर्किंग, वर्किंग या फिर नॉन वर्किंग, ये तीनों में से जिसमें भी आप क्वालिफाई होते हो वो आपको मिलेगा। अगर 1,00,000 का बिजनेस हो जाता है आपके ज्वाइंट होने के बाद तो आपको वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग या फिर नॉन वर्किंग, तीनों में से जिसमें भी आप क्वालिफाई होते वो आपको मिलेगा। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ मेरे अपने खुद के आईडी पे। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी ज्वाइनिंग डेट जो है 26/9/2017, यानी कि लगभग 2.5 महीना हो चुका है मेरी आईडी को रजिस्टर हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो पांचवा स्टेप अभी चल रहा है, पांचवा स्टेप 15/12/2017 को कंप्लीट हो, यानी कि आज कंप्लीट हो चुका है और मेरे अकाउंट में ये रुपीस आ गए हैं। मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ स्मार्ट वर्किंग में, मेरे अकाउंट में ये 12,000 रुपीज आ चुके हैं। यहाँ पे 11,910 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं 5% TDS कटेगा, 5% एडमिन चार्ज एंड 10% परचेज वॉलेट में आएगा। तो ये परचेज वॉलेट में 10% चला गया और 80% यहाँ आ गया और 10% TDS और एडमिन में कट गया है। ये मेरी टोटल डायरेक्ट एड है वो मैंने आपको समझा दिया। सीधा मैं ले चलता हूँ आपको माय एड इनकम पे। यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देखिए, ये मेरा 5 स्टेप कंप्लीट हो गया है और ये 6 स्टेप में मैं चल रहा हूँ। ये ग्रीन हो गया है, यानी कि स्मार्ट वर्किंग का जो मेरा टारगेट है 6 स्टेप का वो भी मैंने अचीव कर लिया, तो ये मेरे को मिलना कंफर्म है। वो 31/12 को मेरे को 18,000 मिल जाएंगे। मैं इसमें भी क्वालिफाई होता हूँ और इसमें भी क्वालिफाई होता हूँ, पर जिसमें ज्यादा हो वही अमाउंट मिलेगा। अगर स्मार्ट वर्किंग में क्वालिफाई होते हो तो स्मार्ट वर्किंग मिलेगा। जब से स्मार्ट वर्किंग में क्वालिफाई होने से बंद हो गया तब आप शिफ्ट हो जाओगे वर्किंग बोनस पर, और वर्किंग बोनस में क्वालिफाई होने से बंद हो जाओगे तो आप शिफ्ट हो जाओगे नॉन वर्किंग बोनस। आप देख सकते हो ये नंबर ऑफ डायरेक्ट एड है, यानी कि हर 15 दिन में हमें कोई एक बंदे को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना जरूरी है। ये प्लान में एक्टिव रहने के लिए हर 15 दिन में एक बंदे को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना कंपलसरी है। अगर आप मान लो कि आप कोई एक बंदे को ढूंढ नहीं पाए 15 दिन, तो आप यहाँ पे खुद की एक आईडी डालकर वहाँ पे अपना बिजनेस प्रमोशन करते हो और ये प्लान में आप एक्टिव रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का टारगेट बिजनेस, यानी कि जो एड वैल्यू वही कॉलम है। मेरे ज्वाइंट होने के बाद कंपनी ने 2.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया, यानी यहाँ तक तो मेरे को कंफर्म है कि वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग या फिर नॉन वर्किंग, तीनों में से एक मिलना कंफर्म है। जिसमें भी मैं क्वालिफाई होऊंगा वो अमाउंट मुझे मिलेगी। यहाँ पे आप एक बार आप अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर डाल देते हो तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कौन सी तारीख का आपका कौन सा स्टेप खत्म होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 12/10 को मेरा पहला स्टेप खत्म हो रहा था, 28/10 को तीसरा, यहाँ पे पूरा 20 महीनों का प्लानिंग आ जाता। जिसमें भी क्वालिफाई होते हो वो अमाउंट आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ 6 स्टेप तक, तो मेरे को 31/12 को ये गिवन लिखा आ जाएगा, ये 15/12 को गिवन, यानी कि आज ही पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गया। तो ये सिंपल सा प्लान है और बहुत ही अच्छा अर्निंग का अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, खास करके स्टूडेंट्स और जो हाउसवाइफ है उसके लिए बहुत ही अच्छा प्लान है। यहाँ पे आप एक दूसरे को रिफर कर सकते हो। कैसे रजिस्टर करना है वो आप वो मैंने अगले वीडियो में बता दिया है। आपका बैंक के अकाउंट में पेमेंट करना है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, उसी दिन आपका आईडी जो रजिस्टर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपको और समझा देता हूँ परचेज वॉलेट के बारे में। जो भी अमाउंट आपको मिलता है उसमें से सीधा 10% परचेज वॉलेट में चला जाता है, यानी कि 1,000 मिलता है तो उसमें से 10% 100 रुपीज परचेज वॉलेट में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो 6,020
मेरे परचेज वॉलेट में है, तो ये परचेज वॉलेट से मुझे सिर्फ बाइंग ही करना है, यानी कि सेलर के पास से परचेज ही करना है। amazingchoice.in की वेबसाइट पे चले जाइए, यहाँ पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, इनमें से किसी एक सेलर के पास से आपको परचेज करना है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हो, एडवर्टाइज सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, कौन सी चीज आपको बाय करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको परचेज करनी है, अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अपना सिटी सिलेक्ट कीजिए। सर्च कीजिए, यहाँ पर आपको सिर्फ सूरत की ही एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी, वो भी मेन स्क्वायर की। यहाँ से आपको परचेज करना है इसी सेलर के पास से, और जो भी इनवॉइस या फिर रिसिप्ट मिली वो आपको अपने अकाउंट में अपलोड करना है। परचेज वॉलेट में जाना है, वॉलेट रिलीज में जाना है, उसके बाद भी सेलर से आपने परचेज किया उसका आईडी डालना है, और यहाँ पे उसका अमाउंट डालना है, जितने भी अमाउंट का आपने परचेज किया है। पर आपको उस रिसिप्ट या इनवॉइस का फोटो अपलोड करना है और सीधा सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो फिर बस जितनी भी अमाउंट का आपने सेलर से परचेज किया है वो अमाउंट सीधे आपके ई वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी कुछ जानने को मिला होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।